गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन हमारे भूगोल विषय में प्रथम भाग के 10वें पाठ को जो है शुरू करने जा रहे हैं। नया पाठ है बच्चों। अब तक की पहली वाली इकाइयों में अपन ने व्यवसायों के बारे में पढ़ा था। व्यवसाय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उनके अलग अलग इकाइयों के बारे में अपन ने पढ़ा था। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों अपन नई इकाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपन विश्व के संदर्भ में परिवहन और संचार को पढ़ने जाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन जो है ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क जो है परिवहन, यानी कि किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले लाने और ले जाने के लिए जो साधन यूज़ में लिए जाते हैं, वो चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे हवाई परिवहन हो, ये सभी इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन संचार के साधनों का भी जो है इस पाठ के अंतर्गत पढ़ाई अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा अध्याय 10, विश्व परिवहन एवं संचार। परिवहन जो है बच्चों मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, यानी कि अपन परिवहन के माध्यम से भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं बच्चों? जैसे मेरे पास एक बस है, उस बस को मैं यात्रियों की सेवा में चलाऊंगा, तो उसके बदले में मुझे जो है उनका जो है किराया वगैरह वसूल होगा, तो वो एक तरह से मेरे लिए आर्थिक क्रिया का साधन बन गया बस। तो अपन कह सकते हैं कि परिवहन भी जो है मानव द्वारा संचालित, यानी मनुष्यों के द्वारा परिवहन को चलाया जाता है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, जैसा कि अपन ने पहले व्यवसाय पढ़े थे, तो ये तृतीय व्यवसाय माना जाता है परिवहन। इसको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया गया, यानी तीसरे व्यवसाय में शामिल किया है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, ये है परिवहन की परिभाषा। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना, आवागमन करना को परिवहन या फिर यातायात कहा जाता है। यानी नॉर्मल शब्दों में, साधारण शब्दों में कहे तो वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की सुविधा जो है वही क्या कहलाती है? यातायात या परिवहन। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य हो सकते हैं, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो मनुष्य खुद हो, चाहे पशुओं का प्रयोग करके, चाहे विभिन्न प्रकार के वाहन का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? परिवहन या फिर यातायात के अंतर्गत। ऐसा गमागमन यानी आना जाना स्थल, जल और वायु मार्गों द्वारा होता है। चाहे वो स्थल परिवहन हो सकता है यानी जमीन पर चलने वाले साधन, जल परिवहन हो सकता है जो हवा पानी के अंतर्गत चलने वाले, और वायु परिवहन हो सकता है जो बाय एयर चलते हैं। इसी प्रकार संदेश, ये तो हो गए बच्चों परिवहन के, अब संचार की साधारण परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार संदेश, विचारों आदि के स्थानिक आदान प्रदान, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे संचार या संदेश को या विचार को पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। यानी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। परिवहन तथा संचार को सम्मिलित रूप से परिसंचरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार परिवहन जो है परिसंचरण का एक प्रमुख अंग है। विश्व के विभिन्न भागों में परिवहन के विविध साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अपनी पृथक तकनीकी विशेषताएं या क्षेत्रीय विस्तार प्रतिरूप होते हैं। परिवहन के आधुनिक साधनों को तीन वृहत वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में देखें, अगर आधुनिक काल में परिवहन को कितने भागों में बांटा है, तो बच्चों परिवहन को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला स्थल मार्ग, जिसके अंतर्गत अपन सड़क और रेल मार्ग परिवहन को, सड़क परिवहन और रेल परिवहन को शामिल करते हैं। और स्थल मार्ग आपको पता है जो पृथ्वी के स्थलीय भाग पर जिन संसाधनों का या जिन परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, वो स्थल मार्ग वाले कहलाते हैं। फिर जल मार्ग, जिसमें जहाज़ वगैरह आ जाएगी। और अंत में आता है तीसरा वायु मार्ग, जिसमें हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर वगैरह आते हैं। इसके अलावा अन्य पाइपलाइन, जिसमें गैस, जल और तेल जैसी पदार्थों को जो है प्रवाहित किया जाता है, वो पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। किसी भी प्रदेश के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल किया जाता है। अंडरलाइन करना परिभाषा, किसी भी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को वहाँ का परिवहन जाल कहा जाता है। यानी भी किसी भी क्षेत्र के
क्षेत्र के परिवहन के जो जो साधन होते हैं उनको ही क्या कहला जाता है, परिवहन जाल कहा जाता है। इस प्रकार किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था त्रिविध प्रकार के परिवहन साधनों में सम्मिलित स्वरूप को प्रकट करती है। आगे देखना परिवहन के बारे में और क्या बता रहे हैं। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए पारिश्रमिक रूप से आय प्राप्त होती है, यानी कि अपने को पैसा मिलता है। परिवहन का उत्पादन मूल्य भाड़ा यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है। परिवहन का उत्पादन यानी परिवहन से पैसे अपने को या तो भाड़े के रूप में या यात्री के भाड़े के रूप में मिलता है। परिवहन के लिए प्राय मार्ग निर्धारित होते हैं जो जल परिवहन, स्थल और वायु से होकर के गुजरते हैं, जिन्हें हम क्रमशः जल से गुजरने वाले को जल मार्ग कहेंगे, स्थल से होकर के जो सड़क या मार्ग गुजरता है उसको स्थल मार्ग कहेंगे, और जो वायु से वायु में गुजरते मार्ग वायु में बने हुए वायु मार्ग कहलाते हैं। जल मार्ग किसी झील, नदी अथवा सागर महासागर से होकर गुजरते हैं। जल मार्गों द्वारा परिवहन जो है अपन किस किस नाव से, स्टीमर भी एक प्रकार की इलेक्ट्रिक चलने वाली नाव है, या जलपोत छोटी छोटी जहाज होती है उनके द्वारा अपन वाहनों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। प्रश्न बन सकता है वो तो जल मार्ग में कौन कौन से साधन प्रयोग में लेते हैं, तो नाव, स्टीमर और जलपोत। इसके अलावा स्थल परिवहन के अंतर्गत अपन सड़क और रेल दोनों मार्ग आते हैं। सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधनों के अंतर्गत रिक्शा आ जाएगा, तांगा छोटे से लेकर के बड़ी बस से, टैक्सी, ट्रक आदि मोटर वाहन सम्मिलित है। रेल के अंतर्गत अपन रेलगाड़ी, सवारी गाड़ी जिसको कहते हैं, इसके अलावा मालगाड़ी, ये इसके अंतर्गत आता है। वायु के अंतर्गत वायु मार्ग के अंतर्गत हवाई जहाज़ के साधन, हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर को अपन शामिल कर सकते हैं। तो ये तो था परिवहन के कुछ प्रमुख साधन। स्थल परिवहन में कौन कौन से साधन आते हैं, जल परिवहन में कौन कौन से साधन आते हैं, और वायु परिवहन में कौन कौन से साधन आते हैं, उनके बारे में आगे देखते हैं। परिवहन में सुधारों के साथ साथ संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण विकास होता रहा है। परिवहन के साथ के भी परिवहन में सुधार तो हुआ ही है, साथ में संचार के साधनों में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला है। कैसे बच्चों? संचार के साधन क्या होते हैं, जो अपनी संदेश को या विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैंडलाइन हो गई, या टेलीग्राम हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये सारे उसमें आते हैं। तो पहले आप पहले के ज़माने में और आपके जमा आज के ज़माने में जो संचार के साधन है उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है बच्चों। कैसे देखते हैं? टेलीग्राम, टेलीफोन, बेतार यानी बिना तार वाले संचार के वायरलेस, रडार और स्वचालित कंप्यूटरों की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने से तथा रेलगाड़ियों, जलपथों और वायुयानों की अपनी यात्रा पूरी करने में भारी सहायता मिल रही है। पृथ्वी पर लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र भी अब दूर लगने लगे, यानी कि आज के धरातल पर अपन देखें कोई भी स्थान जो है अपने से दूर नहीं है। किसकी वजह से संभव हुआ है ये? परिवहन और संचार के साधनों से। यानी चाहे विदेश में अपना कोई अपना सगा संबंधी कोई बैठा है तो अपन उससे आराम से जब चाहे फेस टू फेस बात कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो है आज के ज़माने में लागू कर दी गई है। तो ये तो था बच्चों सामान्य परिचय संचार, ये परिवहन और संचार का, जिसके अंतर्गत अपन ने साधारण रूप से पढ़ा कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है डिटेल्स इन साधनों के बारे में अपन पढ़ेंगे वो अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।